से पहले हम लोग कर रहे थे वर्कशीट को, आज हम लोग रिवीजन करेंगे इसका पत्र लेखन का। आपको याद आया होगा इससे पहले हम लोग पत्र लेखन को पढ़ चुके हैं, याद आया? आज इसको हम रिवाइज करेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि पत्र होता क्या है, यानी पत्र किसे कहते हैं। तो वह कागज जिस पर हम अपने हाल चाल लिखकर दूसरों के पास भेजते हैं और उनका हाल चाल पूछते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पत्र कहते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा ना, एक कागज होता है, उसमें हम लिखते हैं अपना हाल चाल लिखते हैं, या तो अगर किसी को बुलाना होता है, आपके यहाँ कोई पार्टी होती है तो उस पर लिखते हैं, फिर उसको दूसरे के यहाँ भेजते हैं, फिर वो उसका जवाब लिखकर भेजता है। इसके जरिए किया जाता है पत्र। वैसे तो अब समय चेंज हो गया है, तो अब तो लोग क्या करते हैं, फोन पे ही किया देते हैं, लेकिन जब पहले टाइम में फोन नहीं हुआ करता था तो लोग सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल किया करते थे, पत्र का किया करते थे, है ना। तो क्या करते हैं, कागज पे पत्र पर संदेश लिखते हैं, जो भी कहना या बताना होता है। फिर देखिए एक लिफाफा होता है, ये तो सबने देखा होगा, दिखा है ना। फिर इसको क्या करते हैं, इस लिफाफे में डालते हैं और उसके बाद जिसे भी ये पत्र देना होता है उसके पास, उसमें उसका पत्र लेके उसके पास इस पत्र को भेज देते हैं। तो पत्र क्या है? पत्र वह कागज है जिस पर हम अपने हाल चाल लिखकर दूसरों के पास भेजते हैं और उनका हाल चाल पूछते हैं, उसे क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। अब देखिए, हो सकता है एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि वह कागज जिस पर हम अपने हाल चाल लिखकर दूसरों के पास भेजते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया होगा पत्र, संज्ञा, सर्वनाम। सही आंसर क्या होगा? पत्र, यस। इसके अलावा ऐसे भी पूछ सकता है, वह कागज जिस पर हम अपने हाल चाल लिखकर दूसरों के पास भेजते हैं और उनका हाल चाल पूछते हैं उसे क्या कहते हैं। ऐसे ऑप्शन दिया होगा उसमें, कागज, संज्ञा, सर्वनाम, कुछ भी दिया होगा तो, लेकिन उसमें से सही आंसर क्या होगा? पत्र होगा। तो ये परिभाषा जब आपको पता होगी तभी तो आप बता पाएंगे ना किसे हम पत्र कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वह कागज जिस पर हम अपने हालचाल लिखकर दूसरों के पास भेजते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग पत्र कहते हैं, है ना। उसके बाद मैंने आपको एक पत्र बताया भी था, कौन सा? अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। उसको मैंने यहाँ लिखा भी था, आपको पढ़ाया भी था, बताया भी था, है ना। तो एक बार और उस पत्र को आपसे बोला था कि आप याद करेंगे, एक बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से उस पत्र को देख लेते हैं ताकि जो आप भूल गए हो वो फिर से याद आ जाए, कहीं आप भूल ना गए हो कि पत्र कैसे लिखते हैं, ना। और किस पे मैंने पत्र लिखा था? अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखा था। अवकाश यानी छुट्टी के लिए लिखा था, याद आया? हाँ, वही वाला पत्र। तो चलिए एक बार फिर से उस पत्र को हम लोग देखते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका सही सही उत्तर दे पाए, है ना। तो चलिए उसको देखते हैं। प्रार्थना पत्र, तो देखिए जैसे हम लोग कौन सा पत्र पढ़ा रहे हैं आज, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र यानी छुट्टी के लिए। तो पहले लिखा सेवा में प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, मैंने यहाँ पर प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य क्यों लिखा? देखिए ये लगा है ना, या तो हम प्रधानाचार्य लिखेंगे या प्रधानाचार्य, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल मेल हो यानी कोई सर हो तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य, लेकिन अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल फीमेल हो यानी कोई मैम हो तो आप लिखेंगे प्रधाना चार्य, है ना। लेकिन क्योंकि आपके स्कूल की प्रिंसिपल कौन है? मैम है, तो आप यहाँ पर प्रधानाचार्य नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य, ठीक है। इसलिए मैं इसको रद्द कर दे दूँ, ये केवल इसलिए लिखा था ताकि आपको बता दें कि अगर सर हुए प्रिंसिपल तो आपको लिखना होगा प्रधानाचार्य, और अगर मैम हुई तो लिखना होगा प्रधानाचार्य, ठीक। फिर आपके स्कूल का नाम सेक्स स्टार ग्लोबल स्कूल है, इसलिए मैंने ये लिखा है। फिर वो कहाँ पर है? नैनी में है। अब यहाँ लिखा है महोदय या महोदया, तो अगर सर होंगे तो आप लिखेंगे महोदय, और अगर मैम होंगी तो आप लिखेंगे महोदया, और आपके स्कूल में कौन है? मैम है,
का ख्याल रखेंगे महोदया ना कि महोदय, ठीक है। तो और ऐसे ही लिखी है जैसे मैंने लिखा, ये नहीं कि सेवा में कि प्रधानाचार्य से स्कूल में, जैसे आप कॉपी में लिखते आए ऐसे सीधे 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 लिखते हैं, ऐसे ही लिखना होता है पत्र, जैसे मैंने लिखा है इसी फॉर्म में आपको लिखना होगा। पहले सेवा में कॉमा, फिर नीचे लिखेंगे प्रधानाचार्य, फिर अपने स्कूल का नाम, फिर वो स्कूल कहाँ पर है, फिर अगर सर हुए तो महोदय और मैम हुए तो महोदया, ठीक है। ये यहाँ लिखना होगा, ये मैंने दोनों लिख दिए थे ना आपको बताने के लिए। इतना लिखने के बाद फिर आपको लिखना होगा सब जो आपको छुट्टी किस लिए चाहिए वो लिखना होगा। सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी इस महीने के अंतिम सप्ताह में होनी निश्चित हुई है। यानी जो भी ये पत्र लिख रहा है बच्चे ने क्या बताया कि उसकी बहन की जो शादी है वो इस महीने के आखिरी सप्ताह में होगी। अब जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ शादी लिखा है तो आप शादी लिखे, जिस भी कारण से आप छुट्टी ले रहे होंगे उस कारण को आपने यहाँ लिखना होगा, ठीक है। इसमें मेरी उपस्थिति अनिवार्य है, उपस्थिति यानी कि उसका वहाँ होना अनिवार्य यानी जरूरी है। उसने बोला है कि मेरा निवेदन है कि मेरी बहन की शादी इस महीने के अंतिम सप्ताह में होनी है और मेरा वहाँ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए अतः आपसे निवेदन है मुझे 4 दिनों का अवकाश, अवकाश यानी कि छुट्टी, कब से कब तक, इसमें 22/8/2020 से 25/8/2020, ये मैंने लिखा है अभी आपको दिन बताने के लिए, लेकिन आपको जब चाहिए होगी आप वही तारीख लिखेंगे, जितने दिन की चाहिए होगी उस हिसाब से तारीख लिखेंगे ना, तब देने की कृपा करें। तो और ये तारीख लिखनी होगी कि कब से कब तक चाहिए, क्यों चाहिए। अब मैंने इसमें शादी दिया तो ये नहीं कि आपको शादी ही लिखना है, जब भी आप एप्लीकेशन देंगे कोई पत्र लिखेंगे तो जो आपका कारण होगा आप वो लिखेंगे। मैंने छुट्टी लेने के लिए शादी वाला कारण लिखा है तो जो आपको चाहिए होगा आप वो लिखेगा। ये बस एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया कि जब आप पत्र लिखेंगे पहले लिखेंगे सेवा में, फिर आप किसको लिख रहे हैं, प्रधाना मैम है कि सर है, प्रिंसिपल आपके स्कूल के, अगर सर है तो लिखेंगे प्रधानाचार्य, मैम है तो लिखेंगे प्रधानाचार्य, फिर अपने स्कूल का नाम, फिर वो स्कूल कहाँ पर है, फिर अगर सर है तो लिखेंगे महोदय, अगर मैम है तो महोदया, फिर आपको जिस कारण से छुट्टी लेनी है उस कारण को लिखना है, किस तारीख से किस तारीख तक लिखनी है उसको लिखना है, फिर उसके बाद लास्ट में नीचे अपना नाम, अपनी कक्षा, नीचे लिखना धन्यवाद, फिर अपना नाम, अपनी कक्षा और जिस तारीख को आपने ये पत्र लिखा होगा वो तारीख लिखनी होगी, क्योंकि वो यहाँ पर फिर हो गया इसलिए मैंने यहाँ अभी नहीं लिखा है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से उसको भी लिखना होगा, है ना। लेकिन इसी चीज आपको याद रखनी होगी कि कब आपको प्रधानाचार्य लिखना है, कब प्रधानाचार्य लिखना है, कब महोदय लिखना है और कब महोदया लिखना है, और जो भी आपका छुट्टी लेने का कारण होगा उस कारण को लिखना है, किस तारीख से किस तारीख तक लेनी है उस तारीख को लिखनी है, और जब अंत में आप नीचे पूरा जब पत्र लिख लेंगे उसके बाद नीचे एप्लीकेशन किसने लिखी ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब मैम के पास एप्लीकेशन गई उसमें आपका नाम ही नहीं लिखा है, कैसे पता चलेगा किसने ली, तो नीचे आपको अपना नाम, अपनी क्लास और जिस तारीख को वो आपने पत्र लिखा है उस तारीख को लिखना होगा कि आज मैंने ये पत्र आपको दिया है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, पत्र देखा कि पत्र कैसे लिखते हैं, किसको लिखा, अवकाश के लिए पत्र लिखा ना। तो इस पत्र को आपको एक बार कॉपी में लिखना है और ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है ना। फिर अभी नीचे जो मैंने आपको बताया कि नाम, कक्षा वो लिखते हैं, दिनांक उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए नीचे आपको जैसे ही लिखा है इसी तरीके से लिखना होगा, सर धन्यवाद, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्य या शिष्या। देखिए शिष्या कब लिखेंगे, जब गर्ल हो यानी लड़की हो, और शिष्य कब लिखेंगे, जब बॉय हो यानी लड़का हो। और यहाँ पर देखिए शिष्य का नाम क्या दिया है, अनुज शर्मा, क्योंकि ये लड़का है इसलिए यहाँ पर लिखा है आपका आज्ञाकारी शिष्य।
लेकिन अगर अनुज की जगह किसी लड़की का नाम होते तो होता तो यहाँ लिखते आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ठीक है, फिर नीचे किसी लड़की का नाम होता तो हम लोग लिखेंगे साध्या धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर बॉय है, अगर लड़का है तो शिष्य और लड़की है तो शिष्या, ठीक है। फिर नीचे नाम लिखेंगे अपना, फिर कक्षा, यहाँ देखिए एक बार लिखा है। अब जिस सेक्शन में आप होंगे आप उस सेक्शन को लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बा लिखा है। फिर देखिए दिनांक, क्योंकि मैंने ये पत्र आपको कब पढ़ाया है, 10/8/2020, आज 10 है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 लिखी है। लेकिन जब भी आप पत्र लिखिएगा तो आप जिस दिन पत्र देंगे उस दिन की दिनांक यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है पत्र। अवकाश के लिए पत्र मैंने आपको आज बताया, तो आपको एक बार क्या करना है, इसको कॉपी में लिखना है, पढ़ना है और याद करना है। और ये देखना है कि पत्र कैसे लिखा जाता है, मैम ने आपको जिस जगह पर जो चीज बताई है उस जगह पर ही वो चीज लिखनी है, ये नहीं कि आप एक लाइन में सीधा सीधा लिखते जाएं। पत्र ऐसे नहीं लिखा जाता, इसीलिए मैंने आपको ये लिख के बताया और समझाया। तो आपको पत्र ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया, और इस पत्र को जब आप एक बार कॉपी में लिखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको घर पर आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, पत्र क्या होता है, पत्र किसे कहते हैं, पत्र कैसे लिखा जाता है ना, यही तो सीखा। तो आज हम लोगों ने पत्र के बारे में जाना और देखा कि अवकाश के लिए पत्र कैसे लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको फिर एक बार कॉपी में लिख कर देखना है कि जैसे मैम ने बताया है वैसे ही आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं ना, और ये देखना है कि पत्र होता क्या है, किसे कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कोई दूसरी चीज पढ़ेंगे, है ना। तब तक आपका होमवर्क यही है कि आप लोग इस पत्र को क्या करेंगे, कॉपी में ठीक उसी तरह लिखेंगे जैसे कि मैम ने आपको आज बताया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।